हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ ऋतु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और उससे पहले हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो क्या इंक्लूडेड है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो जिन ऑर्गन्स से मिलकर बना हुआ है, उन ऑर्गन्स में कहीं हमें क्या क्या हमें डिजीज़ होने के चांसेस हैं, क्या बीमारी हो सकती है, कैसे हम अपने उन ऑर्गन्स को डिजीज़ फ्री रखें, क्या क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि वो हम अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा हेल्दी रख सकें। तो वो क्या है, वो है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके अलावा, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सिर्फ ये फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ हम ये नहीं है कि हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैसे हेल्दी रखें। उसके अलावा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या पढ़ते हैं, मेंटल एस्पेक्ट्स एंड सोशल एस्पेक्ट्स। इसका क्या मतलब है, हमारी सोसाइटी में आसपास क्या हमें कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ऐसी भ्रांतियाँ दिखाई दे रही हैं रिप्रोडक्शन को लेकर, जो हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रही हैं या हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी मेंटल पीस को अफेक्ट कर रही हैं, है ना। तो और ऐसी क्या मैल प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस हमें अपने चारों तरफ दिखाई दे रही हैं जिनको ठीक किए जाने की ज़रूरत है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ऐसे कुछ गलत प्रैक्टिसेस अगर हमें अपने चारों तरफ दिखाई दे रही है, हमें सोसाइटी में दिखाई दे रही है, जो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, तो वो प्रैक्टिसेस क्या-क्या हैं और उनको हम किस तरह से सही कर सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। तो जो तीन मेन इश्यूज़ की हम यहाँ पर बात करेंगे 10th क्लास में, सबसे पहले एसटीडीज़ यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस। सेकेंड इशू पर जिस पर हम बात करेंगे वो है अनवांटेड प्रेगनेंसी, और साथ ही साथ हम बात करेंगे मैटरनल हेल्थ के बारे में। और थर्ड इशू हमारा है फीमेल फिटिसाइड। तो इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इशू की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस ये क्या होती हैं। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी ये ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी डिजीज़ हैं जो एक बीमार पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में कब ट्रांसमिट हो रही हैं, सेक्सुअल एक्ट के दौरान ट्रांसमिट हो रही हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट ये ट्रांसमिट हो रही हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ये ट्रांसमिट हो रही हैं। तो ये क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हैं जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करती हैं, कब, ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ऐसा भी नहीं है कि ये सेक्चुअली ट्रांसमिट डिजीजेज सिर्फ सेक्चुअल कॉन्टेक्ट से ही स्प्रेड होती है। एक्चुअली ये कब स्प्रेड हो रही है, जब बॉडी फ्लूइड्स, एक हेल्दी पर्सन और एक बीमार पर्सन की बॉडी फ्लूइड्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। वो बॉडी फ्लूइड्स क्या क्या हो सकते हैं, वो ब्लड भी हो सकता है, वो सीमन भी हो सकता है, और वो वेजाइनल फ्लूइड्स भी हो सकते हैं। तो अगर ये फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो बीमारी, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी एक बीमार पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। ज़्यादातर ये जो डिजीजेस कॉज हो रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही कॉज हो रही हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ है यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज हो रही हैं। तो ज़्यादातर डिजीजेस ये कॉज होती हैं बैक्टीरिया से या फिर वायरसेस से। बैक्टीरिया से कॉज होने वाली डिजीज़ कौन सी होती हैं, जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, और वायरस से कॉज होने वाली डिजीज़ जैसे जेनाइटल हर्पीज़ है और एचआईवी एड्स है। एचआईवी एड्स का नाम तो आपने सुना ही है, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, मैंने एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये क्या है, ये है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। सेक्चुअल एक्ट में एक बीमार पर्सन से एक हेल्थी पर्सन में ये ट्रांसमिट हो सकती हैं। उसके अलावा ये कभी कभी नॉन सेक्चुअली भी ट्रांसमिटेड हो सकती हैं, जैसे अगर मदर है तो उससे उसके बेबी को ये ट्रांसमिट हो सकती हैं प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, आपने एक अनहेल्दी पर्सन, बीमार पर्सन था जिसको ये डिजीज़ थी, उसका ब्लड आपने किसी ऐसे पर्सन में ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, ऐसे पर्सन को दे दिया जिसके अंदर ये डिजीज़ नहीं थी, तो क्या होगा, ये जो जर्म्स हैं ये हेल्दी पर्सन में के ब्लड में भी एंटर कर जाएंगे, उसको भी ये डिजीज़ हो सकती है। या शेयर्ड नीडल्स, कोई बीमार पर्सन था उसको आपने इंजेक्ट किया, कोई दवाई दी या कुछ भी, तो
उसके बाद सेम उसी सिरिंज से आपने दूसरे पर्सन को इंजेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ, वो सिरिंज के साथ साथ जर्म्स भी हेल्दी पर्सन के बॉडी में ट्रांसमिट हो गए। ठीक है, तो ये एसटीडीज को अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, क्यों प्रिवेंट करना चाहते हैं हम ये डिजीजेस, क्योंकि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगे, हमारे रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को अफेक्ट करती हैं। तो इन्हें अगर हम रोकना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों का तो हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं तो पहले हमें बिल्कुल कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो ब्लड हम चढ़ाने वाले हैं वो ब्लड एचआईवी फ्री है या वायरस या बैक्टीरिया से फ्री है, उसमें कोई ऐसा जर्म प्रेजेंट नहीं है। कभी भी नीडल्स को शेयर नहीं करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पर ये वेजाइनल फ्लूइड्स या सीमन हमारी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि स्पेशल कवरिंग, थिन कवरिंग, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्डोम्स। ये क्या होते हैं, ये रबर की बनी हुई कवरिंग्स होती हैं जो सेक्सुअल एक्ट के टाइम पर या तो मैन की पेनिस पर पहनी जाती हैं या फिर फीमेल के वेजाइना में पहनी जाती हैं, इंसर्ट की जाती हैं। तो क्योंकि ये रबर की बनी हुई कवरिंग है तो ये सीमन को या वेजाइनल फ्लूइड को दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आने देती, और अगर बॉडी फ्लूइड्स ही कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली एसटीडी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होगी। तो एसटीडी को प्रिवेंट करने के लिए हम कॉन्डोम्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इनके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे जब हम अनवांटेड प्रेगनेंसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस का, इनसे हमें बच के रहना है। क्यों बच के रहना है, क्योंकि ये डिजीज़ेस काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकती हैं, इनमें से कुछ डिजीज़ तो फेटल भी हो सकती हैं, डेथ भी कॉज कर सकती हैं, जैसे एचआईवी एड्स। तो इनको रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग सेक्चुअल एक्ट। दूसरी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है, जो दूसरा इश्यू है जो हमारे सामने आता है, वो है हाउ टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब हमें पता है कभी भी सेक्सुअल एक्ट होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो प्रेगनेंसी होने के उसमें चांसेस हैं। हो सकता है उस टाइम पर एग फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है ना, तो स्पर्म अगर बॉडी में जाएगा, सीमन बॉडी में जाएगा, तो वो एग को फर्टिलाइज कर सकता है। लेकिन हर बार सेक्स के बाद हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। अगर हर सेक्सुअल एक्ट के बाद प्रेगनेंसी होगी तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो अभी भी इतनी है वो कितनी हो जाएगी, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। एक नुकसान तो ये होगा इसका। दूसरा नुकसान क्या होगा, अगर हर सेक्सुअल एक्ट के बाद प्रेगनेंसी होगी तो फीमेल की हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी से तो बॉडी पर बहुत लोड पड़ता है ना। तो एक प्रेगनेंसी और दो प्रेगनेंसी के बीच में अगर गैप नहीं होगा, जल्दी जल्दी होंगी, तो फीमेल की हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हर सेक्सुअल एक्ट के बाद हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हमने कुछ ऐसे आर्टिफिशियल मेथड्स बनाए हैं या टेक्निक्स बनाए हैं, कुछ तरीके बनाए हैं जिनसे हम इस अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, जब हमें चाहिए तो हम सेक्सुअल इंटरकोर्स तो कर पाएँ, लेकिन हम श्योर हों कि हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे, प्रेगनेंसी कॉज नहीं होंगे। तो उन्हीं तरीकों को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना किससे, आर्टिफिशियल मेथड्स को यूज़ करके, उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। क्या है कॉन्ट्रासेप्शन, ये है आर्टिफिशियल मेथड्स को यूज़ करके प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। और इसके लिए जिन मेथड्स को और जिन टेक्निक्स को या जिन डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं, जिन तरीकों को हम यूज़ करते हैं, उन तरीकों को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या है, वो एक तरीका है जिससे हम कंसेप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन और कंसेप्शन में यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्शन का मतलब है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन है उसका उल्टा, कि हम आर्टिफिशियल मेथड्स को यूज़ करके प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करें, वो है कॉन्ट्रासेप्शन। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैं उन्हें हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से पहली कैटेगरी है बैरियर मेथड या मैकेनिकल मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन का बैरियर मेथड।
जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, बैरियर। बैरियर का मतलब क्या है कि हमने स्पर्म और ओवम यानी एग के बीच में कोई फिजिकल बैरियर लगा दिया। उससे क्या होगा, ये स्पर्म और ये एग अब क्योंकि मिल ही नहीं पाएंगे तो ये फ्यूज़ नहीं हो पाएंगे, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, फ्यूज़न ऑफ ओवम एंड स्पर्म, इसको प्रिवेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैरियर। अब ये बैरियर क्या है, जैसे कि हमने पीछे बात की थी, तो ये बैरियर्स मेल्स के लिए भी अवेलेबल है और फीमेल्स के लिए भी। जिनमें से जो मोस्ट कॉमन बैरियर है वो क्या है, वो है कॉन्डोम्स। तो हमारे पास अवेलेबल है मेल कॉन्डोम्स भी और फीमेल कॉन्डोम्स भी। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये फीमेल कॉन्डोम है। मेल कॉन्डोम सेक्चुअल एक्ट के टाइम पर इरेक्ट पेनिस पर वेयर किया जाता है और फीमेल कॉन्डोम सेक्चुअल एक्ट के टाइम पर वेजाइना में वेयर किया जाता है। रबर की बनी हुई आपको दिखाई दे रहा है, पतली सी शीत है, तो इससे क्या होगा कि अगर आप फीमेल हैं तो सीमन आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा, अगर आप मेल हैं तो आपका सीमन फीमेल की बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा। तो सीमन के अंदर ही स्पर्म प्रेजेंट होता है, तो स्पर्म जब फीमेल की बॉडी में एंटर ही नहीं कर पा रहा है तो उससे क्या होगा, वो एग तक नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। बैरियर मेथड में एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है जैसे कॉन्डोम्स में, कि ये एसटीडीज़ को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने पीछे बात की थी कि क्योंकि दूसरे पर्सन के बॉडी के फ्लूइड आपकी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो एसटीडी होने के भी, स्प्रेड होने के चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। एसटीडी कैसे होती है, एसटीडी बॉडी फ्लूइड्स के एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ही होती है। तो ये तो हो गया बैरियर मेथड या मैकेनिकल मेथड। दूसरी तरह के मेथड है हमारे पास केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में भी हम इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमारे पास आते हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये क्या है, ऐसी टेबलेट्स हैं या पिल्स हैं, गोलियां हैं जिनको मुंह से खाया जाता है ना। तो फीमेल्स के लिए ये यूज़ होती हैं, फीमेल्स इनको यूज़ कर सकती हैं। इनमें प्रेजेंट क्या होता है, कुछ फीमेल हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इस तरह के कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं कि अगर आप इनको रेगुलरली खाते रहोगे तो ये ओव्यूलेशन को रोक देते हैं। ओव्यूलेशन यानी एग के रिलीज को रोक देते हैं। जब ओवरी से एग रिलीज ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का चांस ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरे जो केमिकल मेथड में चीज़ें आती हैं वो हैं स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स ऐसी क्रीम्स हैं या ऐसी जेल्स हैं जो सेक्चुअल एक्ट के टाइम पर वेजाइना में यूज़ की जाती हैं, वेजाइना में लगाई जाती हैं। इसके अंदर ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट हैं जो स्पर्म को किल कर देते हैं या फिर डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो अगर स्पर्म किल हो जाएंगे या डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन का चांस ख़त्म हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी का चांस भी ख़त्म हो जाएगा। ये हो गए केमिकल मेथड्स। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पर, ये है हमारा थर्ड मेथड, इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स या इसको हम एक और नाम से भी बोल सकते हैं, आईयूडी या आईयूसीडी। ये क्या होता है, आईयूडी इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्ट, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो यूट्रस के अंदर, इंट्रा यूटेरिन यानी यूट्रस के अंदर लगाई जा रही है। और आईयूसीडी इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये ऐसी कुछ डिवाइसेस हैं हमने बनाई हुई हैं जिनको यूट्रस के अंदर अगर इंसर्ट कर दिया जाए, यूट्रस के अंदर लगा दिया जाए तो ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं। तो इनमें से जो मोस्ट कॉमन डिवाइस है वो है कॉपर टी। कॉपर टी जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये टी शेप के कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर कॉपर का वायर लपेटा हुआ है। अब इस कॉपर के वायर के साथ ये जो हमने टी शेप्ड स्ट्रक्चर बना रखा है जिसको हम कॉपर टी कहते हैं, उसको यूट्रस के अंदर इस तरह से इंसर्ट कर दिया जाता है। अब इसमें जो कॉपर प्रेजेंट है, इसमें स्पेशल बात क्या है कि ये कॉपर स्पर्म्स के लिए पॉइजनस होता है। तो जब सीमन यहाँ पर एंटर करेगा तो ये कॉपर की वजह से स्पर्म्स जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे या किल हो जाएंगे। दूसरा ये क्या करता है, जो सर्विक्स, सर्विक्स याद है आपको, हमने बात की थी पिछले वीडियो में, यूट्रस का जो नेक होता है जहाँ पे यूट्रस वेजाइना से जाकर मिल रहा है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। इस सर्विक्स के अंदर प्रेजेंट होता है बहुत सारा म्यूकस
जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल म्यूकस। तो ये कॉपर क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, जिससे कि स्पर्म जो है वो इस सर्वाइकल म्यूकस को पार करके नहीं जा पाते। तो स्पर्म जब ऊपर ही नहीं जा पाएंगे, फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचेंगे ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। ये जो हमने बात की इम्प्लांट्स की, इसमें फ़ायदा क्या है कि जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब तक आप ये इम्प्लांट यूट्रस में रख सकते हैं, जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आप इस इम्प्लांट को रिमूव करा सकते हैं। इससे पहले वाले मेथड्स में भी हमें यही फ़ायदा था, ये पिल्स हैं या स्पर्मिसाइड्स हैं, जब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए आप इनको तब तक यूज़ कर सकते हैं, जब प्रेगनेंसी चाहिए तो इनका यूज़ आप बंद कर सकते हैं। कॉन्डोम्स में भी सेम यही बात है, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, प्रेगनेंसी चाहिए तो आप इनको यूज़ करना बंद कर सकते हैं। यानी ये सारे मेथड्स कैसे हैं, रिवर्सिबल हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट मेथड हमारे आए हैं, फोर्थ मेथड, सर्जिकल मेथड, ये कैसा मेथड है, इरिवर्सिबल मेथड है। अगर आपने एक बार ये मेथड यूज़ कर लिया तो उसके बाद दोबारा से आप अगर चाहेंगे कि अब प्रेगनेंसी हो जाए तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो उन लोगों के लिए सही है जिनको फ्यूचर में और बच्चे नहीं चाहिए। तो ये परमानेंट क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सर्जरी होती है, और अगर आपको इसको रिवर्स कराना है, इस मेथड को आपको रिवर्स कराना है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, एक और मेजर सर्जरी आपको करानी पड़ेगी। और ये सर्जरी ज़्यादातर रिवर्सल की जो सर्जरी होती है वो ज़्यादातर अनसक्सेसफुल होती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि सर्जिकल मेथड कैसा है, ये इरिवर्सिबल मेथड है। ये तभी कराना चाहिए जब आपको फ्यूचर में और बच्चे नहीं चाहिए। तो सर्जिकल मेथड्स में भी दो तरह के मेथड्स आते हैं, एक है वेसिकटॉमी और एक है ट्यूबेक्टॉमी। तो वेसिकटॉमी में हम क्या करते हैं, मेल्स में ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, आपको याद होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या है, टेस्टिस है, उसके ऊपर एपिडिडाइमिस है और यहाँ से निकल कर जा रही है वास डेफरेंस। तो इस मेथड में क्या करते हैं, इस वास डेफरेंस को कट कर देते हैं, ये कट कर दिया और कट करके यहाँ पर टाई कर दिया ऊपर नीचे। अब वास डेफरेंस को कट कर दिया तो इससे क्या होगा, जो स्पर्म्स यहाँ टेस्टिस में बन रहे हैं और एपिडिडाइमिस में मैच्योर हो रहे हैं वो इस कट पोर्शन से आगे जा ही नहीं पाएंगे। जब वो स्पर्म्स इस कट पोर्शन से आगे ही नहीं जा पाएंगे तो जो सीमन बनेगा उस सीमन में कोई स्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होगा, उसमें क्या होंगे, सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, जो मेल ग्लैंड्स हैं, उनके सिक्रीशंस ही प्रेजेंट होंगे, उनमें कोई स्पर्म नहीं होगा। तो उसमें स्पर्म ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली सेक्सुअल एक्ट के बाद फर्टिलाइजेशन के चांस भी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही सेम हम एक सर्जरी कर सकते हैं फीमेल्स में, जिसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। इसमें हम क्या करते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब आपको दिखाई दे रही है इसको हम कट कर देते हैं और कट करके हम इसको टाई कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर वास डेफरेंस में किया था। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ओवरी जो एग प्रोड्यूस कर रही है वो एग इसके आगे, इस उस कट पोर्शन के आगे जा ही नहीं पाएगा, उस कट पोर्शन के आगे जा ही नहीं पाएगा, तो स्पर्म के साथ उसके फ्यूज़न के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। और जो स्पर्म भी आ रहे हैं सीमन के साथ में वो भी उस एग तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को हम बीच में से ही काट चुके हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ये इरिवर्सिबल मेथड है, इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए मेजर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जो कि ज़्यादातर अनसक्सेसफुल ही रहती है। तो ये जो बर्थ कंट्रोल के हमने मेथड्स देखे इतने सारे, ये क्यों ज़रूरी है, कॉन्ट्रासेप्शन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, बहुत सारे रीज़न है इसकी। जैसे हमने अभी पीछे ही बात की थी कि अगर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो इतनी बढ़ जाएगी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने और क्रिएट हो जाएंगी। पहली पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, सब लोगों को सही से रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या रीज़न है इन सब के पीछे, इतनी सारे जो लोग हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन है, वो उसमें एक मेजर रोल प्ले कर रही है। तो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम क्यों यूज़ करते हैं, एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, हमें हर सेक्सुअल एक्ट के बाद प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, नहीं तो पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ जाएगी और मदर की हेल्थ भी ख़राब होगी, तो इसलिए हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं।
दूसरा ये हमें कंट्रोल देता है, अब हम अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने बच्चे चाहिए, और हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में हम कितना गैप, टाइम का गैप रखना चाहते हैं। तो प्रेगनेंसी की टाइमिंग को भी हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बेटर मैटरनल हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं होंगे तो क्या होगा, हर बार सेक्सुअल एक्ट के बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी, और इतनी सारी प्रेगनेंसीज से मदर की हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने से मदर की हेल्थ बेटर होती है। दो प्रेगनेंसी में भी हम प्रॉपर स्पेस रख सकते हैं तो उससे भी मदर की हेल्थ बेटर होती है। अगर जल्दी जल्दी प्रेगनेंसीज होंगी तो उससे भी मदर की हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और चौथा, जो हमने पीछे से बात करते हुए चले आ रहे हैं, एसटीडीज यानी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज को प्रिवेंट करने में भी बैरियर मेथड्स हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद जो अगला सोशल इशू हमारे सामने आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, वो है फीमेल फीटीसाइड। फीटस, याद है आपको, एम्ब्रियो है, वो ग्रो कर रहा है और ऐसे स्टेज में पहुंच गया जब उसके बॉडी पार्ट्स अब रिकॉग्नाइजेबल हो गए, तब हम उसे फीटस कह देते हैं। तो हमारी सोसाइटी में हमने क्या देखा है कि स्पेशली यहाँ इंडिया में अगर हम देखें तो लोग ये प्रेफर करते हैं कि हमारा मेल चाइल्ड हो, फीमेल चाइल्ड को वो प्रेफर नहीं करते। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि बच्चे के पैदा होने से पहले वो पहले कुछ टेक्निक्स यूज़ करके, जैसे अल्ट्रासाउंड यूज़ करके या और कोई टेक्निक्स यूज़ करके फीटस के सेक्स को पता लगा लेते हैं। वो पता लगा लेते हैं कि जो बेबी होने वाला है ये मेल होगा या ये फीमेल होगा, और अगर फीमेल फीटस होता है तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं, यानी उसको वो किल करा देते हैं, पैदा होने से पहले ही वो उसको किल करा देते हैं। उसी को हम फीमेल फिटिसाइड कहते हैं। नुकसान क्या है इसके, फीमेल फिटिसाइड होने की वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। मेल फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो बिगड़ता जा रहा है, फीमेल्स का नंबर कम होता जा रहा है, मेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, जिससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फीमेल फिटिसाइड को हम कैसे प्रिवेंट करें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है। सबसे पहली चीज़ तो जो की गई है वो ये कि फीमेल फिटिसाइड को इंडिया में इलीगल स्टेटस दे दिया गया है। ये कानून के खिलाफ है। अगर आप किसी को, अगर कोई कंप्लेंट कर देता है या आप इस चीज़ में पकड़े जाते हैं कि आपने फीमेल फिटिसाइड कराई है, तो आपको सज़ा हो सकती है। इवन अगर आपने सेक्स रिकॉग्निशन टेस्ट भी कराया है, वो भी इलीगल है, तो डॉक्टर्स को भी अलाउड नहीं है कि वो सेक्स रिकॉग्निशन टेस्ट करें, वो पता लगा के किसी को बताएं कि आपका चाइल्ड मेल है या आपका चाइल्ड फीमेल है, और लोगों को भी अलाउड नहीं है कि वो डॉक्टर को बोले कि हमें पता लगा कर बताओ कि हमारे फीटस का सेक्स क्या है। ये सब चीज़ें लॉज बनाकर इलीगल कर दी गई हैं। दूसरा, गवर्नमेंट तरह तरह की स्कीम निकालती रहती हैं जिससे कि जो गर्ल चाइल्ड है उसके उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके, उसकी एजुकेशन के लिए, और ताकि लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट हो कि वो फीमेल फिटिसाइड को रोक सकें। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। गर्ल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो पैसे भी देती है, फंड देती है। ऐसा भी होता है कि गर्ल चाइल्ड है अगर आपकी, तो उसकी कोई फीस स्कूल में नहीं ली जाएगी। इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट चलाती रहती है। उसके अलावा और क्या करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी, लोगों को बताना चाहिए कि ये फीमेल फिटिसाइड क्यों गलत है, इसका सोसाइटी पर क्या असर हो सकता है। ये सारी चीज़ें लोगों को पता भी नहीं होती हैं, तो इसके लिए लोगों को अवेयर करने की भी ज़रूरत है। और जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, लोग लड़कियों को क्यों नहीं पैदा करना पसंद कर रहे हैं, उसमें एक मेजर कॉज क्या है, डाउरी, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। क्या सोचते हैं लोग कि अरे ये तो लड़की पैदा हो गई, अब क्या होगा, अब इसकी शादी में हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस जब तक चलती रहेंगी तब तक फीमेल फिटिसाइड को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को भी हमें इरेडिकेट करने की ज़रूरत है, ऐसी प्रैक्टिसेस को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, तभी हम फीमेल फिटिसाइड को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हो जाता है ख़त्म। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज। तो हमने बात किसके बारे में की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरह के एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं।
तो पहले इसमें हमने बात की एसटीडीज के बारे में। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल एक्ट के दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं और उन्हें रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमने देखा कि ये जो एसटीडीज हैं ये बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकती हैं, बैक्टीरिया से भी हो सकती हैं, वायरस से भी हो सकती हैं। और ये होती कैसी हैं, हमारे बॉडी का बॉडी के फ्लूइड्स अगर दूसरे पर्सन के बॉडी के फ्लूइड से कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उससे ये ट्रांसमिट होते हैं। अब वो बॉडी फ्लूइड ब्लड भी हो सकता है, सीमन भी हो सकता है और वेजाइनल फ्लूइड भी हो सकता है। मदर से बेबी में भी ये बीमारियाँ ट्रांसमिट हो सकती हैं। इन्हें रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल एक्ट के टाइम पर कॉन्डोम्स यूज़ करने चाहिए ताकि दूसरे की बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में हमारी बॉडी नहीं आए। दूसरा, अनवांटेड प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हमने देखी। हमें हर सेक्सुअल एक्ट के बाद प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो हमने क्या बनाए हैं कुछ मेथड्स जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिन मेथड्स को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। और अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये कौन कौन से मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, उनके बारे में हमने पढ़ा। बैरियर मेथड या मैकेनिकल मेथड जिसमें आते हैं कॉन्डोम्स, जो स्पर्म और एग के बीच में एक फिजिकल बैरियर क्रिएट कर देते हैं ताकि जो मेल का सीमन है वो फीमेल की बॉडी में एंटर नहीं कर पाता है और जो फीमेल के विजाइनल फ्लूइड्स हैं वो मेल की बॉडी के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं। इस वजह से इससे एसटीडी भी प्रिवेंट होने में हेल्प मिलती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, केमिकल मेथड हमने देखे जिसमें ओरल पिल्स थी, टेबलेट्स थी, जिसमें हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, फीमेल हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, फीमेल्स इनको यूज़ करती हैं। जब तक आप इनको खाते रहेंगे तब तक ये ओव्यूलेशन को रोक कर रखेंगी। और स्पर्मिसाइड जैसे क्रीम्स हैं या पिल्स हैं जो वेजाइना में सेक्सुअल एक्ट से पहले इंसर्ट की जाती हैं जो कि स्पर्म्स को किल करने का काम करती हैं। और हमने देखा कुछ इम्प्लांट्स, यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो हम इम्प्लांट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन डिवाइस है कॉपर टी, जो कि एक ये टी शेप का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कॉपर का वायर लगा हुआ है। इसको यूट्रस में जब इम्प्लांट कर देते हैं तो ये जो कॉपर है, एक तो ये सर्वाइकल म्यूकस का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है जिससे स्पर्म यूट्रस में एंटर नहीं कर पाता। और दूसरा, क्योंकि कॉपर स्पर्म्स के लिए पॉइजनस होता है तो अगर कोई स्पर्म एंटर भी करता है तो वो स्पर्म को किल कर देता है। फिर उसके बाद हमने देखे सर्जिकल मेथड्स, ये कब यूज़ करने हैं, ये तब यूज़ करने हैं जब आपको फ्यूचर में कोई बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, ये इरिवर्सिबल मेथड है। इसमें क्या करते हैं, सर्जरी करके या तो मेल की वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं तो उससे स्पर्म्स सीमन में नहीं पहुंच पाते जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, या फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है जिससे कि एग जो है वो जिससे कि स्पर्म्स एग तक नहीं पहुँच पाते, एग जो है वो इस कटे कट पोर्शन के आगे नहीं पहुंच पाता, तो उससे भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। ये मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स को हम यूज़ क्यों करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए और ताकि हम अपने आप से डिसाइड कर सकें कि हमें कितने बच्चे चाहिए और उन बच्चों के बीच में कितना गैप हम रखना चाहते हैं। मैटरनल हेल्थ भी इन्हें यूज़ करके बेटर हो सकती है और एसटीडीज भी इससे प्रिवेंट होती हैं। फीमेल फिटिसाइड के बारे में फिर हमने बात की कि कुछ लोग क्या करते हैं कि फीटस का सेक्स पता लगा लेते हैं कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके, और अगर फीमेल फीटस होता है तो वो उसको अबॉर्ट करा देते हैं, उसको किल करा देते हैं पैदा होने से पहले ही। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं फीमेल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए, उसकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। दूसरा, इसको इलीगल, हमारी कंट्री में इलीगल घोषित कर दिया गया, ऐसे लॉज बनाए गए हैं कि फीमेल फिटिसाइड और सेक्स रिकॉग्निशन टेस्ट दोनों ही इलीगल हो गए हैं। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए इसके लिए, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो काम करती हैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का, और मेल प्रैक्टिसेस सोसाइटी में जो हमारी इस तरह की प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से लोग फीमेल्स को पैदा होना, बेटी का पैदा होना पसंद नहीं करते, उन प्रैक्टिसेस को भी हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, जैसे कि डाउरी यानी दहेज प्रथा को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज हमारा ख़त्म हो गया रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको आपको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेना चाहिए, तो आपकी लाइफ से भी एसोसिएटेड है। तो
इसको आप तैयार कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। और ये जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये कुछ जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। अब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप ये नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।